हेलो जी, नमस्ते। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत 10:30-11 बजे से हो रही है इस समय, क्योंकि मैं सुबह से आज ब्लॉग नहीं बनाई थी। सुबह बहुत सारा काम हो गया था, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं ना, तो इसी वजह से समय नहीं मिल रहा मुझे ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं सोची कि इस टाइम अब कोई नहीं है, वो लोग चले गए हैं थोड़ा मूवी देखने के लिए, सब चले गए थे। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, तो खाना खा के नहीं गए हैं कोई भी, नाश्ता करके वो लोग चले गए थे। तो फिर मैं बाद में सोचा कि अभी मुझे टाइम मिला था, तो मैं सोची कि थोड़ा सा मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी से ही स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, मैं इधर किचन में आ गई हूँ, क्योंकि ये भी आ गए हैं ऑफिस से, तो इनको मैं खाना निकाल रही थी। तो खाने में देखिए, मैंने इधर आम काट दे रही हूँ, मैं सलाद काट के रख दी हूँ। और मैं खाने में आज सिर्फ सब्जी चावल रोटी ही बनाई हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में सब बना हुआ था, तो सब लोग नाश्ता करके चले गए थे ना, तो फिर खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी। और वो लोग भी 3:30 बजे तक आएंगे, तो पता नहीं खाना खाएगा कोई कि पता नहीं खाएंगे। इसी वजह से मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, बस सब्जी बना ली हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, कि अगर खाएंगे तो फिर मैं बना दूंगी। रोटी आटा वह सान के रख दिया है मैंने फ्रिज में, और चावल ये देखिए मैंने थोड़ा ही डाला था, कि अगर कोई खाएगा तो बना लेंगे, वरना फिर बाद में तो ख़राब हो जाता है ना। तो फिर इसी वजह से मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि बच्चे आएंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ से खा पी के ही आएंगे। तो इसी वजह से मैंने सब्जी बना ली थी ज़्यादा, कि अगर बच जाएगी तो फ्रिज में रख देंगे, वो तो ख़राब नहीं होगी। और रोटियाँ भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाई है, देखिए बस जब आएंगे तब, अगर खाएंगे तभी बना देंगे। तो हम आटा लगा के बस रख दिए हैं फ्रिज में, तो मैंने इनके लिए खाना निकाल दिया है, अभी ना हम खाना दे आते हैं। तो देखिए, मैं सलाद में नमक नहीं डाला था, बस काट के रख दी थी, तो मैं डाल दी हूँ। अब बस इनको दे के आते हैं। उसके बाद मैंने कपड़े धुल के डाले हुए थे ना, तो वो भी सूख गए होंगे, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रखी है, तो कपड़े भी उधर सूख गए होंगे। तो हम खाना देने के बाद जाएंगे, निकाल लेंगे। वरना क्या होता है ना, आजकल बारिश कभी भी आ जाती है ना, कभी धूप रहता है और बारिश अचानक से आ जाती है ना, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। कल मेरा ऐसे ही हुआ था, मैं कपड़े डाल के अंदर लेटी हुई थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी धूप है, अभी बाद में निकालेंगे, और उसके बाद जाके देखा तो बारिश होने लगी और सारे कपड़े में गीले हो गए, वहाँ तक पहुँचने पहुँचते सारे कपड़े गीले हो गए। तो फिर मैंने निकाला भी नहीं था, फिर थोड़ी देर बाद फिर से धूप आ जाती है, तो फिर सूख गया था। तो मैं सोची आज मैं पहले ही उठा लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से इसी समय पे ना बारिश होने लगती है, 2 बजे 3 बजे के करीब ना बारिश अचानक से आ जाती है थोड़ा सा, तो कपड़े गीले हो जाते हैं और उसके बाद फिर से धूप आ जाती है। तो मैं आज मैंने सोचा कि पहले ही मैं निकाल लूँगी, क्योंकि बारिश आने से पहले ही निकालेंगे। और उधर देखिए, तो आधे कपड़े मेरे सूखे थे, जो नहीं सूखे उन्हें मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि अभी धूप भी है ज़्यादा, अभी बारिश नहीं लग रहा कि आएगी। तो मैं जितने कपड़े निकाल के लाई हूँ ना, तो इनको सारे फोल्ड करके रख देते हैं, नहीं तो अभी वो लोग भी आने का, उनका लोग का भी समय हो रहा है, आ जाएंगे तो फिर उन लोग को भी ना खाना वगैरह देना होगा, तो पता नहीं कौन क्या खाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा जो सारे काम है मेरे ना, मैं उन्हें फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं मूवी देखने के लिए ना। तो ये तो, और जो कपड़े मेरे प्रेस वाले हैं उन्हें मैं साइड करके रख दूँगी, बाद में प्रेस करूँगी, अभी प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी अभी सुबह से थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, आज सारा दिन काम ही करते रह गए, फिर ये भी ऑफिस से जल्दी आ गए, तो इनको खाना वाना देना था, तो मैं लेटी भी नहीं आज, नहीं थोड़ा सा दोपहर में आराम कर लेते थे, आज नहीं हुआ है। तो 2-3 दिन से आए हुए हैं बनारस एक भैया ना, तो उन्हीं के साथ में, बस बच्चे क्या हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए थोड़ा सा घूमने के लिए, कोई मिल गया तो आ गए हैं। 2-3 दिन से तो सब बस घूम ही रहे हैं, तो आज मूवी के लिए चले गए थे, तो हम कहे चलो इधर कपड़े बाद में हम अपने प्रेस कर लेंगे जो हैं, तो इनको भी हम हटा के इधर ही रख देंगे, अभी शाम को हम करेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है, वो लोग भी आ जाएंगे। तो ये बाबू का जो स्कूल का था, तो उसे मैंने हटा दिया है, और ये है उनका ग्राउंड का, वो भी वाइट रहता है ना, तो रोज़ गंदा करके आ जाते हैं, ऐसे समय बारिश के मौसम में और ज़्यादा गंदा होता है वाइट कपड़ा, पूरा मिट्टी वगैरह लग जाती है ना, तो धुलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इन सबको, और डेली डेली धुल के। तो देखिए, ये लोग भी आ चुके हैं मूवी देख के, और इधर क्या लेके आए हैं, ये पॉपकॉर्न का डब्बा बोल रहे थे, मूवी का टिकट ही नहीं मिल रहा था बिना इसको लिए, तो मैं इसको खोल रही थी, मैंने पूछा इसमें कितने पैकेट है, तो कह रहे थे पता नहीं, देखिए खोल के, तो वही मैं देख रही थी। ये देखिए, एक एक पाउच 10 रुपए का दिखा रहा है कि 10 रुपए का है, पूरा 15 पाउच था। तो यही लेके ये लोग आए हैं, अब इन लोग को देखिए खाने में क्या खाते हैं, इन लोग को चले कुछ बना दे, वहाँ से बोल रहे हैं कि नाश्ता करके आए हैं, बर्गर वगैरह सब खा पी के आए हैं लोग, खाना तो खाएंगे नहीं, तो बोल रहे हैं मम्मी कुछ मीठा बना दो। तो मैं कही चलो इसको मैं भर के रख देती हूँ पूरा, मैंने खोल के पूरा फैला दिया था, तो उनके समय समेट के पूरा रख दी हूँ। फिर मैं इधर किचन में देखिए आ गई हूँ, तो थोड़ा सा ये मैंने बादाम काट लिया है,
और ये पैन में चढ़ा दी हूँ, इसमें थोड़ा सा सेवई भूज देती हूँ, इसी को बना देते हैं, थोड़ा सा खा लेंगे दोनों लोग, क्योंकि मीठे में अब इस समय और क्या बनाए। मैं सोची कि बस दूध रखा हुआ है तो सेवई ही बना देते हैं, तो जल्दी भी बन जाएगा तो खा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। और खाना तो अभी लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं वहाँ पे बहुत सारा खा के आए हैं सब, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, यही सब इन लोगों का चलता है ज़्यादा। 2-3 दिन से ऐसे ही कर रहे हैं, बस बाहर इधर उधर का खा ले रहे हैं, घर पे खाना कोई खाता ही नहीं है। तो देखिए मेरी सेवई इधर बन चुकी है, अब इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूँ, क्योंकि दूध उबल गया था मेरा, और इसको डाल के बस इसमें मैं थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और उबाल दी हूँ अच्छे से। और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा बाबू खाता नहीं है ना, तो इसमें डाल देंगे तो कुछ नहीं खाएगा, तो मैं बस थोड़ा सा बादाम ही कट करके डाल दी हूँ कि थोड़ा सा कुछ तो डाल दे, क्योंकि उसको अगर कुछ मिल जाता है ना सिवाई में, खाली सिवाई ही बना के दो तो खाता है, वरना अगर कुछ मिल गया कोई भी ड्राई फ्रूट्स में डाल दो तो नहीं खाता है, इसलिए वजह मैं थोड़ा सा ही काट के ऊपर से डाल दी हूँ कि थोड़ा सा डाल देना तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला पतला काट के डाल दिया है। तो इधर देखिए 10 मिनट के लिए मैंने उसको ढक दिया था ना, कितने अच्छे से गल गई है, तो बस अभी निकाल देते हैं, क्योंकि अभी गर्म है ना, तो ले जाके वहाँ फैन में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो दोनों लोग खा लेंगे, और उसके बाद फिर अपना रात में ही अब खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से नाश्ते ही पे चल रहे हैं सब। देखिए अभी इसमें कितनी गर्म है, मैं बस इन्हीं दोनों के लिए ही बनाई थी, क्योंकि और कोई खाएगा नहीं, सब लोग खाना खाए हुए थे ना, तो बस दोनों लोग के लिए ही बनाए हैं।